भाई लोग, मैं आज हमारी इंडियन आर्मी के लिए कुछ लिख के लेके आया हूँ। मैं एक्चुअली कोई सिंगर या रैपर तो नहीं हूँ, राइम अच्छे से नहीं होगा तो मेरे को माफ़ करना यार, पर फिर भी कोशिश की मैंने लिखने की। कुछ तो पसंद आएगा तो प्लीज़ यार आगे पहुँचाओ, ताकि इंडियन आर्मी के पास ये सब चीज़ें पहुँचे और हर एक बंदे के पास भी पहुँचे, वो लोग सुने क्या हो रहा है आजकल हमारी इस दुनिया में। प्लीज़, बॉर्डर पे खड़े सिपाही एक लोहे की दीवार है, वो दीवार को फांद के आना किसी की ना औकात है। पर जब मैंने अपने देश में थोड़ा झांक के देखा तो सीने में लगी मेरी आग है। सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से, क्या यही हमारा आपसी प्यार है? एक दूसरे के धर्म को हम गिरा रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को हम गलत कह रहे हैं, कि यही हमारे संस्कार है? सोच जरा ये इंसान, बॉर्डर पे खड़ा वो हर एक जवान, वो माँ के हाथ की रोटी को नहीं कर रहा होगा याद? उनकी दी कुर्बानियों को हम कर रहे हैं बेकार, हम अपने आप में लड़ रहे हैं कि बॉर्डर को बचा के क्या करेगा वो जवान? प्यार बांटो यार, क्योंकि हर धर्म अपने आप में बहुत है महान। थोड़ा नजर हमारे जवान पे भी डाले इंसान, वो घर जाने को तरसता है, 6 महीने साल 2 साल घर ना आ पाता है जवान। पैरों पे पड़ते छाले फिर भी बॉर्डर पे खड़ा है वो जवान, नींदों को कितना तोड़ के हमें चैन की नींद सुलाता है वो जवान। कितने खुश नसीब है वो माँ बाप जो अपने बेटे को बनाते हैं जवान, पर हमारे अपने मन की कड़वाहट देखो, जमीन पे सबके सामने सोता है फिर भी वो खुश है जवान। शहीद होने पे जवान अकेला नहीं मरता, मरते उसके अपने भी है, जो हर पल यही याद में बिता देते हैं कि बॉर्डर पे क्या कर रहा होगा हमारा बेटा जवान। बेटे की खबर मिलते ही माँ का दिल असल में रोता नजर आता है, बाप अपनी वो बाहों को खाली महसूस करने लगता है, जिन बाहों में वो जवान कभी बचपन में खेला है। आज देश तरक्की करके भी आपसी प्यार नहीं कमा पाया, हम अपने जवानों की कुर्बानी को जाया करते जा रहे हैं। हमें मिलके रहना चाहिए, देश का नाम बनाना चाहिए, कड़वाहट को कम करके अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए, तभी जवान का वो लक्ष्य पूरा होगा और जवान खुशी से घर जाके हर त्योहार अपने माँ बाप के साथ वो मना पाएगा। जय हिंद, जय जवान।